Today we will learn our lesson number 8. In the previous lecture we have to also learn lesson number 8. India challenge and solution. India challenges and solution. So now today we will learn corruption. So student, corruption is a more important part of our India. Who less than our culture, our religious, our government culture, work, everything is there. So now corruption means, in simple term, means lack of integrity of honesty. Means जो अपना corruption है, corruption क्या है? Simple देखा जाए, तो corruption in simple term means lack of integrity of honesty. कि जो एक ईमानदारी को, एक सच्चाई क्या कर रही है? खत्म कर रही है. Use of a position of trust for dishonest argument. जो कि position को इस्तेमाल करने के लिए उसको use किया जाता है. Okay. It means dishonest behavior by those in positions of power. इसमें क्या आ रहा है कि जो corruption कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? Dishonest हो रहे हैं. किसे? बिहेवियर से, अपने नेचर से, अपने कस्टम से, रिलीजन से और अपने नेशन से. उनके करप्शन की वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो ईमानदारी है वो खत्म हो रहा है. खत्म हो रहा है ना, क्योंकि अगर आप करप्शन है, अगर आप करप्टेड है तो क्या होगा? आपके अंदर जो एक बिहेवियर है आपका वो पूरा चेंज हो जाएगा. ओके. और आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, जो ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी नहीं रह पाओगे. तो पोजिशन ऑफ पावर, तो ये क्या कर रहा है कि जो कि एक पोजिशन ऑफ पावर को खींच रहा है, क्योंकि वो जो करप्शन है वो लोगों को, उनकी पोजिशन ऑफ पावर को खराब कर रहा है. क्योंकि जब तक आप करप्टेड नहीं होते हो तो आपके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई, जिससे कि आप अपने वर्क को, अपने एरिया को अच्छे से डेवलप कर सकते हो और अपने नेचर को भी इंक्रीज कर सकते हो. सच एज मैनेजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसियल, जो कि मैनेजर्स गवर्नमेंट ऑफिसियल के भी सबसे ज़्यादा के लिए है. बिकॉज दे आर मेनी गवर्नमेंट ऑफिसियल एंड वर्कर करप्टेड इन द करप्शन. ओके. गिव डबल डीलिंग अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन्स, मनी पोलिटिंग, इलेक्शन डेवटिटी, फंड्स लेंडरिंग, लॉन्डरिंग मनी और एंड डिफरेटिंग इन्वेस्टर्स. करप्शन हैज become the major issue that hinders the development of our nation. तो अपने नेशन को डेवलपमेंट ना होने के लिए, उसको खराब करने की सबसे जो मेन चीज है वो है करप्शन. क्योंकि जब भी हम किसी चीज को करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर आपको अभी किसी गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, तो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले तो आपको 5 लाख 10 लाख देने पड़ेंगे. तो ये क्या है? करप्शन है, जो कि आपके काबिलियत को नहीं, आपके ऑनेस्टी को, आपके आइडियाज को, आपके नॉलेज को नहीं देखता है. वो वहाँ पर सिर्फ पैसे को देखता है, जिससे कि वो क्या करता है, वो इंसान करप्टेड कराता है. जो कि 10 लाख 5 लाख 2 लाख दे के किसी भी जॉब के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए आपको अपॉइंट करता है. ओके. इसमें कई कई होते हैं, किसी को गिफ्ट देना, किसी को डबल गिफ्ट करना, अपने हैसियत से ज़्यादा आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो आपके प्रति आपका उसका झुकाव हो. आप अंडर टेबल होता है, अंडर द टेबल मतलब अंडर टेबल ट्रांजेक्शन मतलब कि चुपके से करना, किसी को बताना नहीं, वो सिर्फ दो लोग के बीच की बातें होती है, ठीक है. डबल डीलिंग एंड मैनिपुलेटिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम में भी बहुत लोग पैसे के बल पे क्या करते हैं कि अपने इलेक्शन को वोट को खरीद लेते हैं. एंड डाइवर्टिंग फंड्स, लॉन्ड्रिंग मनी एंड डिफरेंटिंग इन्वेस्टर्स. करप्शन हैज बिकम द मेजर इशू दैट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. ये सब क्या आ रहा है हमारे नेशन के लिए? बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो अभी जो पहले के थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके हमारे नेशन की रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की. बट नाउ स्टूडेंट देर आर ऑलमोस्ट 80-90-95% मोस्ट ऑफ पीपल आर करप्टेड इन आवर इंडिया, इन आवर नेशन. सो नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ करप्शन. सो नाउ इफेक्ट ऑफ करप्शन विच मीन्स देयर मीन्स सो इफेक्ट ऑफ करप्शन इज देयर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड
hindrance to the development of the nation, hindrance to the development of nation, and deterioration of the moral values, inflation, lack of trust in law, slow human development and a breach of faith. तो ये क्या है, किस तरह से हमारे ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने ह्यूमन राइट्स की अभी हमारे अंदर क्या है, हमारा जो देश है भी वो वेस्ट कंट्री है, हमें अपना डेवसिटी कंट्री है, हमें पता है कि डेवसिटी कंट्री के अंदर हमारा अपना राइट्स है, हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई ऐसा जोर जबरदस्ती या कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई पावर नहीं है. तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है किसको, इफेक्ट ऑफ ऑप्शन जो है इनको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है. लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉ, लोगों का कानून पर से विश्वास खत्म हो रहा है, लोगों का मेडिकल की तरफ से विश्वास खत्म हो रहा है, लोगों का जो फैक्ट है, जो सच्चाई है उसके ऊपर से विश्वास खत्म हो रहा है, लोगों का जो अपने नेशन के प्रति जो डेवलपमेंट है, जो उनका एक वो है वो भी खत्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीज़ों को करप्टेड कर दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ पैसे के बल पे अपनी पोजीशन को बढ़ाए रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इफेक्ट ऑफ करप्शन, मतलब करप्शन को माइनेशन ऐसा एक ऐसा चुम्बक की तरह चिपका दिया है कि जो शायद ही कभी खत्म हो, क्योंकि बिना करप्शन के, बिना डोनेशन के कोई भी वर्क हमारे कंट्री में या हमारे नेशन में होने वाला नहीं है. नाउ इज देयर मेजर, इट हेल्प पीपल इन चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन इन 1964. तो यहाँ पे एक मेजर क्या आया था, गवर्नमेंट हैज ट्रेंड सर्टेन, तो गवर्नमेंट ने अचानक से एक लॉ किया था 1988 में टू रिड्यूस द प्रिवेंट करप्शन, वहाँ पे एक नया करप्शन स्टार्ट किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो हैज बीन फॉर्मेड इन द 1964. ठीक है, इट हेल्प पीपल इन चेकिंग द कंट्रोलिंग करप्शन. तो ये जो था ये गवर्नमेंट के साइड से किया गया था इसको, कि जिससे कि करप्शन को कंट्रोल में कर सके, और जो लोग जो पीपल इसमें करप्टेड हो रहे हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनकी चेकिंग को हम आसानी से कर सकें. नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ एक्टिविटी कलेक्टिंग द करप्शन रिलेटेड न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इन द क्लास. फाइंड द एड्रेस ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो इन आवर योर डिस्ट्रिक्ट. तो आपको फाइंड करना है कि जो आपके एरिया में, आपके टाउन सिटी में कौन सा एंटी करप्शन ब्यूरो की डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको उसका एड्रेस फाइंड करना है. सो नाउ इज देयर मैसेजेस, एक्सेप्टिंग द ऑफरिंग ब्राइट बोथ आर अ क्राइम. ओके, जिस तरह से कि दोनों के साइड को अगर मैसेज पास करते हैं तो वो भी एक क्राइम है. सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी आवर टेक्स्ट बुक एंड लर्न अबाउट मेजर टेररिज्म एंड द मेजर दिस. ओके स्टूडेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज मेड द वर्क फास्टर एंड द मोर एक्यूरेट. मशीन हैव रिप्लेस्ड द मैन एंड इट हैज रिजल्टेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट. मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेफ्ट मेनी एग्रीकल्चरल लेबर्स अनएम्प्लॉयड. सच लेबर फेसिंग अ टाइम टू अर्न देयर लिविंग माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. एज अ रिजल्ट, द रूरल एरियाज आर डिसइंटीग्रेटिंग. एजुकेशन हैज इंक्रीज एंड एक्सपेंडेड इन हॉरिजॉन्स, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज एट एन इक्वल रेट, एंड सो द अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज हैज इंक्रीज एंड द रिजल्ट, द चैलेंजेस ऑफ वाटर, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन हैव grow out of proportion. Other challenges such as the increase in dirty and congested slums, the antisocial activities, child labor, drug addictions, use of alcohol, mental stress, etc. are the
by products of the growing urbanization and the unemployment. A person who is above 18 years of age and is willing and capable to work and does not get a job is called an unemployment person. So student, they are modernization and employment. अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि मॉडरेशन कैसा है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रहा है. बिकॉज जब तक गांव में खेती करते थे तो उसमें ढेर सारे किसान हुआ करते थे, बहुत सारे फार्मर्स हुआ करते थे. नाउ अभी क्या है, अभी मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे मशीन आ गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं. ठीक है, तो जो जहाँ पे 10 काम, जो खेती को 10 किसान करते थे, तो उस खेती को वो एक ट्रैक्टर अकेले कर रहा है. तो उसमें क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हो रहा है. ओके, जैसे कहीं किसी ऑफिशियल वर्क में जहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अपना सैलरी अकाउंट बना रहा है, कोई कंपनी का अकाउंट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि वो हाथ से क्या करते थे. नाउ अभी ये है कि कंप्यूटर है जो कि क्या कर रहा है कि 150 लोगों को काम अकेला कर रहा है, क्योंकि हम लिखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर शो करते हैं. ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, कंप्यूटर के अंदर फास्टर काम हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि बहुत फास्ट काम करता है, जो 10 लोगों के काम को अकेला 10 सेकेंड में कर सकता है. तो इससे क्या हो रहा है, इन मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, हमारे स्कूल्स बन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो जो है एक नेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. ओके, नाउ मेजर्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मेनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट हैव डेवलप्ड प्लान्स एंड द पॉलिसी एज फॉलो. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लानर बनाए हैं जो कि इनको फॉलो करने के लिए है. फर्स्ट, शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स. सेकेंड, फ्री एजुकेशन. थर्ड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग, मोबाइल मेडिकल सर्विस, इंकरेजमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री विद द सिंप्लीफाइड लोन फैसिलिटी बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड विच इज द प्राइमरी नीड. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन स्लम एरियाज. तो ना इसमें देखो, इसमें मेजर क्या आ रहा है, मेजर क्या आ रहा है कि फॉर द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम मेनी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट हैव डेवलप प्लान एंड द पॉलिसीज एज फॉलो. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे प्लान को डेवलप किया, जिससे कि जो हमारे अनएम्प्लॉयज है, जिनकी वजह से उनके घर के बच्चे हैं वो जो स्टडी नहीं कर पा रहे, स्कूल तो है पर बच्चे वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं ना, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके रहने के लिए, उनके पास काम करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए कोई वर्क नहीं है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला था जो उनके डेवलप हुआ था. जो पहला क्या था, शेल्टर फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनको घर दिया जाए जो कि जिनकी अर्थव्यवस्था जो एकदम बेकार है, उनके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए. सेकेंड, फ्री एजुकेशन, उनके गरीब बच्चों को जिनके पास घर नहीं है, कोई काम नहीं करने को, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन किया गया है. प्योर ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जो फ्री है, बिना टैक्स के है. अनक्लिनलिंग्स के ऊपर ध्यान दिया गया है. मोबाइल मेडिकल सर्विस दिए गए हैं. इनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज विद सिंप्लीफाइड लोन. तो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को किया गया है जो कि छोटे मोटे लोन लेके उसको अपने इंडस्ट्रीज को, अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं. बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड विच द प्राइमरी नीड. और यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं छोटे, तो उनको क्या है, उनको न्यूट्रिशन और फूड के लिए व्यवस्था की गई थी. ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन इज स्लम एरिया. गवर्नमेंट है वो एरिया वाइज सारे सिचुएशन को हैंडल करने का और डेवलप करने के लिए सोच रही है, और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को डेवलप भी किया है. नाउ एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग इन योर एरियाज. विजिट द आर्टिसंस कॉटेज इंडस्ट्री एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट. फार्मर्स इन द विलेज आर प्रोवाइडेड लोन्स फॉर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट फॉर फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड दैट इज व्हाई द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द वाइट रिवोल्यूशन हैव फ्लोरिश्ड. कंसिक्यूरेटली द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री हैज इंक्रीज. सो नाउ स्टूडेंट, टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. टेररिज्म इज अ
global problem. Terrorism activities are an obstacle in the progress of a nation. It is an evil effort to disturb the peace, brotherhood, and the unity of a nation. Terrorism inflicts fear in people through violence and hatred. The goal of terrorism is never sacred, pure, or good. अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, टेररिज्म। टेररिज्म जो है वो ग्लोबल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अर्थ का, हमारे जमीन का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। टेररिज्म एक्टिविटीज आर ऑन ऑब्स्टेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। इट इज़ एन ईविल इफेक्ट ऑफ डिस्टर्ब द पीस एंड ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन। ये क्या कर रही है कि ये हमारे नेशन की शांति को भंग कर रही है, ब्रदरहुड को खराब कर रही है, और हमारे नेशन की जो यूनिटी है वो ख़त्म कर रही है। टेररिज्म इन्फ्लिक्ट फियर इन पीपल थ्रू वायलेंस एंड हेट्रेड। जो टेररिज्म है वो इन्फ्लिक्ट कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, और उनके अंदर थ्रू वायलेंस एंड हेट्रेड को भी, वायलेंस एंड हेट्रेड। द गोल ऑफ टेररिज्म इज नेवर सेक्रेट प्योर ऑफ गुड। उनका ये गोल है कि ना हम उनको सेक्रेट करने देंगे, ना उनको सही करेंगे, और ना ही उनको अच्छा रखेंगे। Terrorism is an inhuman act carried out by a certain group of people in a planned way. It resort to bullying, killing, or torturing somebody. Terrorism is a challenge for any government. Terrorism is a challenge for any government. Terrorism is an easy way to display power forcefully. Innocent people become a target of massacred anywhere. In the past there were terrorism attack on the parliament, hotel Taj, Mumbai share market, local train, and on Akshardham, etc. You know student very well, this terrorism attack the bomb and Taj Mahal, Mumbai share market, local train, and the Akshardham, etc. Terrorism is pure hatred, and acutely it has got nothing to do with kinsmen, religions, or languages. Terrorism is pure hatred and cruelty. It has got nothing to do with kinsmen, religions, or languages. Major, we have to face it with bravery and courage. The Intelligence Bureau of the nation should be strong and active. We have to face it with bravery and the courage. The Intelligence Bureau of the nation should be strong and active. Awareness regarding to cooperating with the security agencies has to be developed. People have to be very alert at public or crowded places. People have to be very alert at public or crowded places. One must not pay attention to rumors and should not panic in the times of crisis. The security force should be well equipped with CCTV cameras and metal detectors. Apart from these various other challenges faced by the nation, our orthodoxy, communalism, regionalism, discrimination based on language, border issue, and rehabilitation after natural disaster. Study these in detail and try to know the possible solution to this problem with the help of your teacher. सो स्टूडेंट किस तरह से हमें हमारे नेशन को बचाने के लिए इन टेररिज्म से हमें एक बैटल्स करने पड़ते हैं जिससे कि हम अपने नेशन को सुरक्षित एंड सेफ रख सकें। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें स्टडी करना है, करप्शन को हटाना है, ओके, और जो भी हमारे कस्टम और रिलीजस है उनको इंक्रीज करना है, लोगों के अंदर से जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, मतलब भेदभाव है, ऊंच नीच है, ठीक है, इसको भी ख़त्म करना है जिससे कि हमारे देश का जो हो वो इंक्रीज हो, नेशन हमारा डेवलप हो। तो ये था हमारा चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस।
ठीक है। और भी अगर आपको कोई सोल्यूशन दिखते हैं तो स्टूडेंट प्लीज़ उसको आप सर्च करो और उसको एक नोट्स बना के उसको राइट डाउन करो कि आपके लिए इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन और कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी के जो नोट्स हैं वो आपको फ्लैश कार्ड पर जाएंगे। ओके, थैंक यू।